यस बच्चों, अब हम तीन अंकों में दो अंक से गुणा करने के कुछ सवाल और देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें गुणा किस तरह करना है। अब हम यहाँ जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 953 गुणे 23, ठीक है, करना क्या है हमें, बॉक्स बना लेना है, चार कॉलम और तीन रो, 1, 2 and here 3, ओके। इसके बाद है बन गया हमारा चौखट, इसी को हम कहते हैं चौखट विधि से गुणा करना। अब यहाँ पे है, सबसे पहले आप इकाई लिख दीजिए 3, दहाई की जगह है 50 और ये है 900, राइट, यहाँ पे गुणे का निशान। अब यहाँ पे हमें गुणा किससे करना है, 23, 20, 3, 23, तो 2 दहाई है, इसका भी विस्तारित कर दीजिए 20 और 3 इकाई को 3। अब हम अपना गुणा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 2 नवा होता है 18, और फिर अब ये तीनों 0 आप लगा दीजिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 18,000, राइट, आ गया 18,000। अब है 2 का पहाड़ा हमें यहाँ पढ़ना है 50 में, अर्थात क्या करना है, 2 पच्चे 10, पहले पूरा 10 लिखो, उसके बाद ये दोनों 0 भी आपको यहाँ लगाना है, सो दैट इज 1000, 1000 आ गया। अब 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6 और 1 0 यहाँ पे लगा, 60 आ गया। अब हम इकाई से गुणा करते हैं, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 3 नवा 27 और 2 0 यहाँ पे लगा दी, 3 पच्चे 15 और ये जो 1 0 है वो यहाँ लगा दो, 3 3 का 9 हो गए। सारे अंकों से हमने गुणक से गुणा कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लो 18,000, राइट, फिर है 2,700, नेक्स्ट 1000 मतलब 1000, 150, 150 हम कैसे लिखेंगे, सैकड़े के नीचे से, राइट, ना 60 और 9 को आप चाहो तो मिला लो, 69 हो जाएगा, 69, या आप 60 अलग लिखो या 9 अलग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दैट इज मैंने मिला लिया इसको और लिख दिया 69 69। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ आ गया 9, 6 और 5 जोड़ दीजिए 11, 1 हासिल नहीं भूलना है, 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यहाँ पे भी हासिल आएगा, राइट, 1 और 1 2, आपका आंसर आया 21,919, 21,919। नाउ द नेक्स्ट सम, एक सम हम और समझेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें 3 अंकों में 2 अंक से कैसे गुणा करना है। कॉलम 1, 2 and 3, राइट, अब फिलिंग अप द डिजिट्स, अंकों को लिखना प्रॉपर प्लेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या करेंगे हम, 1, 8 दहाई 80, 7 सैकड़ा मतलब 700, गुणे का निशान यहाँ लगा दीजिए, यस, यहाँ आ गया 90, 9 दहाई है पूरा 90 लिख दो, 0 है 0 लिख दो, ओके। अब हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, 9 7 63, 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 63 आया, 3 और 0 यहाँ पे लगा दीजिए। अब 9 का पहाड़ा 8 बार, 9 8 72, दोनों 0 यहाँ पे लगा दीजिए, राइट, अगर हम डायरेक्ट पढ़े 90 एक कम 90 आ जाएगा,
या 9 1 9 और 1 0 लगा। अब है 0 से हमें गुणा करना है, तो जैसा कि मूल मंत्र है किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए आंसर हमेशा शून्य। आपको ये तो बहुत इजी हो गया, आप तीनों में आग बंद करके 0 लिख दीजिए, नो इश्यू राइट। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें इन तीनों बॉक्स में जो डिजिट्स हैं उनको ही जोड़ना है। ओके, तो सबसे पहले हो गया 63,000, फिर है 7,200, सॉरी 7,200, 7,200 नहीं 7,200 राइट। नेक्स्ट है 90। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2, 7 और 3, 10, हासिल लगाना मत भूलिए, 6 और 1, 7। पढ़ेंगे कैसे हमेशा याद रखिए, 70,290, 70,290। दैट्स एनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, तो दूसरे सवाल में 407 को हमने इस तरह से बॉक्स में रख दिया, इकाई की जगह 7, यहाँ पे शून्य और सैकड़ा 400 है तो 400। अब ये है 55, तो यहाँ पे हो गया 50 और ये रहा 5 राइट। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौक 20, 20 लिखा। अब ये तीनों 0 आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 20,000 राइट, 20,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, 50 यहाँ पे है और शून्य से गुणा करना है बच्चों, तो हमें पता है कि किसी भी संख्या से शून्य में गुणा किया जाए हमेशा आंसर शून्य आएगा, आप यहाँ शून्य लिख दो। ओके, अब 50 का गुणा 7 में करना क्या है, 5 का पहाड़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 5 सते 35 और ये वाला 0 आपको ऐसे का ऐसे यहाँ लगा देना है। अब है 5, 5 से गुणा करिए, 5 का पहाड़ा पार 4 बार, 5 चौक 20, 20 पूरा लिखो। अब ये 2 0 यहाँ लगाओ, अब ये हो गया 2,000। ओके, यहाँ बच्चों देखिए 5 है ये 50 है, यहाँ 1 0 के कारण ये 20,000 रुपए आया और यहाँ वही 0 नहीं है तो ये 2,000 आया, मतलब 0 का इम्पोर्टेंस है, तो 2,000 रुपए जहां आपको 20,000 देना हो, यदि कोई 2,000 दे तो आपका लॉस है, इसलिए 0 इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे 2,000 आया, अब 5 का गुणा 0 में करिए, ये हो गया 0 राइट right? अब 5 का गुणा 7 बार, 5 सते 35, यहाँ आपको न कोई हासिल न कोई उधार राइट, पूरे का पूरा ऐसे ही हमने लिख दिया। अब हम इसको बड़ी संख्या फिर छोटी इस तरह से लिख लेंगे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ पे है 20,000, 0 लगाने में गलती नहीं करना है वरना हमारा पैसा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब है 2,000, 4 अंक है तो बराबर एकदम 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद यहाँ 3 ही अंक है, आप 3 अंक एकदम इकाई के नीचे, इकाई दहाई के नीचे दहाई लगाएंगे, फिर है 35, ये दोनों 0 आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम ऐड कर दें इसको, 5, 5 और 3, 8, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। अब बच्चों हमारा आंसर 5 अंक में आया है, तो जब भी 5 अंक की संख्या पढ़नी है आपको याद रखना है ये दोनों हमें साथ में पढ़ना है, ये दोनों साथ में पढ़ना है, सैकड़े को अलग से। अगर आप नहीं पढ़ने आ रहा है आप हमेशा इसको लिख लीजिए, आपके पढ़ने में गलती नहीं होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये है 10,000, मतलब अब हम इसे पढ़ेंगे 22,385, 22,385 राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर, हैव अ गुड डे।